गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड द चैप्टर नेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 12 ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी बचे हुए भागों का संक्षिप्त में अध्ययन करने जा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट रिमेनिंग कॉन्सेप्ट इज नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, हमें हमारे कंप्यूटर तंत्र के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों होती है? नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट इज हेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस and control all the resources of the computer and it effectively utilize every part of the computer। बच्चों, हमारे computer systems के अंदर devices यानी जो मशीनी उपकरण हैं, जैसे monitor, keyboard, printer, mouse, hard disk, DVD, साथ ही साथ हमारे programs, इन सभी को ये अपने साथ में रखते हुए इनको मैनेज करता है, इनका प्रबंधन करता है। प्रबंधन से मतलब है इन सभी डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है ताकि कंप्यूटर जो है वो अपना प्रभावपूर्ण तरीके से परिणाम हमें दिखा सके। देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो ये चित्र दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे मल्टीपल डिवाइसेस एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जिनके उदाहरण इसमें दिए गए हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू जुड़े हुए हैं और इन डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज करता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब बच्चों, हम यहां ये जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या कार्य हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रोसेसर मैनेजमेंट की। प्रोसेसर मैनेजमेंट की, इस प्रोसेसर मैनेजमेंट के दौरान हम समझेंगे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे सिचुएशन यानी कि कार्य प्रबंधन को, वर्क मैनेजमेंट को इफेक्टिवली प्रोड्यूस करता है। इट डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स मीन्स CPU टाइम टू ईच एंड एवरी प्रोसेस। एज द टास्क इज फिनिश्ड द प्रोसेस लीव्स द CPU एंड देन अगेन CPU इज अलॉटेड टू सम अदर प्रोसेसर। बच्चों, प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब यहाँ ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी हमारा जो CPU है इससे डील करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रत्येक मशीन को टाइम स्लॉट के दौरान प्रोसेसिंग यानी कि काम करने की जो क्रिया है उसको बांधता है। यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने द्वारा किए गए काम का अलॉटमेंट कैसे कैसे करेगा, किस समय पे करेगा, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंदर आता है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को बताता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। इट इज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर एंड द अटैच्ड डिवाइसेस सो दैट ए बैलेंस कैन बी मेंटेन्ड बिटवीन देम एंड द CPU। बच्चों, डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब हमारा कैबिनेट यानी हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर्स है, उस पर्सनल कंप्यूटर्स से जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, अटैच्ड डिवाइसेस जो हैं, उन सब को बैलेंस करना यानी वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब को देखने का जिम्मा भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू ही माना जाता है। थर्ड पॉइंट इज मेमोरी मैनेजमेंट। एज इन ए कंप्यूटर बोथ द CPU एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरैक्ट विथ मेमोरी। व्हेन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट रिक्वायर्स मेन मेमोरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन।
After that, the memory space is freed and is available for other programs. All this is done with the help of operating system. बच्चों, memory management के अंदर हमारे computer systems की RAM और ROM, यानी random access memory और read only memory को देखने का जो जिम्मा होता है, वो होता है operating systems के through. यानी हमारा system, computer काम करते समय अपने फाइल्स को, अपने प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करने के बाद में वो उन प्रोग्राम्स को किस मेमोरी के अंदर, यानी कंप्यूटर के किस पार्ट के अंदर वो इंस्टॉल करके उनका उचित प्रबंधन करेगा. फोर्थ पॉइंट इज फाइल मैनेजमेंट. एनी डाटा ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज जस्ट द फाइल्स, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरी सिस्टम्स ऑन ए कंप्यूटर. बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स में किया गया काम, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम अपने काम को नाम देकर के जब निश्चित स्थान पर रखते हैं, तो उस नाम से हमारी एक फाइल बनती है. ये फाइल किसी फोल्डर में हो सकती है या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर रखी जा सकती है. इस फाइल को मैनेज करने का जो काम होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का होता है. यानी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक क्रिएट, एडिट, कॉपी एंड अलोकेट मेमोरी टू फाइल्स. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एंश्योर दैट फाइल्स आर ओपन विथ प्रॉपर एक्सेस राइट टू रीड और एडिट दम. साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें यह भी सुविधा प्रदान करता है कि हमारी जो फाइल है वो सही तरीके से ओपन हो सके, हम उसको रीड कर सके, पढ़ सके और एडिट कर सके. एडिट का मतलब यहाँ पे होता है हाउ वी कैन सिक्योर आवर फाइल. हम अपनी फाइल को कैसे सिक्योर करें, लाइक पासवर्ड दे करके या फिर हम लोग उसे कट कॉपी पेस्ट करके उसमें एडिटिंग कर सके. फिफ्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस. बच्चों, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को एक सिंगुलर पासवर्ड के थ्रू हमारे सिस्टम को संभाल करके रखता है, बांध करके रखता है. क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले जितनी भी कुकीज़ फाइल्स जो हैं, कुकिंग फाइल्स मीन्स जो हमारे वायरसेस हैं, उन वायरस को एंटर होने से पहले जब हम अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, उन एंटीवायरस प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिक्योरिटी का प्रबंधन करता है. इस सिक्योरिटी को के प्रबंधन को बिना एक्सेस किए हमारे सिस्टम्स के अंदर वायरस एंटर नहीं होता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज दैट विदाउट ओपन लॉक, यानी बिना पासवर्ड के ओपन ही नहीं कर सकता है एक अनऑथराइज पर्सन. यानी वो पर्सन जिनको हमने केवल ऑथराइज कर रखा है, जिनको पासवर्ड पता है, वो ही हमारे सिस्टम को ओपन कर सकते हैं, बाकी हमारे सिस्टम को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है. पॉइंट नंबर 6, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. बच्चों, यहाँ मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे यूजर इंटरफेस करता है बिटवीन ए यूजर और एक मशीन के बीच में. Operating system establishes a means of communication between users and their computer systems by providing a user interface and a set of commands that control the hardware. बच्चों, operating system जो है वो अपने software के अंदर कुछ इस तरीके की command hardware को send करता है, जिनके माध्यम से hardware component जो हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी सुरक्षा प्रणाली के साथ साथ में उनको काम करने के लिए एक्सेस करता है विजार्ड के थ्रू. ये विजार्ड का मतलब यहाँ पे ये है गो थ्रू प्रॉपर
चैनल, यानी हर काम को करने के लिए हर कमांड का बना हुआ प्रारूप, यानी ये वो सेट्स ऑफ कमांड्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जिनको यूज़ करके, जिनका प्रयोग करके हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस अपनी कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अगला बिंदु है हमारा यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर इंटरफेस। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ यूजर इंटरफेस? मींस यूजर इंटरफेस इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ए डिस्प्ले फॉर द यूजर विच अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों, यूजर इंटरफेस को हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है, मीन्स हमारा जो मॉनिटर है, उस मॉनिटर के ऊपर आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, उस सूचना को हम लोग कम्युनिकेट कैसे करें, हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम अलोंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को साथ लेकर के हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट कैसे करें। कम्युनिकेट का मतलब होता है यहाँ पे संप्रेषण, यानी कैसे हम अपनी सूचनाओं का आदान करें। यहाँ पे हमने दो तरीके से यूजर इंटरफेस को समझा है। फर्स्ट इज कमांड यूजर इंटरफेस एंड सेकेंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, कमांड यूजर इंटरफेस 1970 से लेकर के 1980 के दशक तक कमांड यूजर इंटरफेस प्रयोग में लाया जाता था, जब केवल कीबोर्ड से ही हम लोग डायरेक्ट कमांड देते थे, कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते थे। आज जमाना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें हमारे टच पैनल आ गए हैं। टच पैनल मीन्स टच स्क्रीन आ गया है, टच पैड आ गया है, कलरफुल स्क्रीन आ गया है, माउस आ गया है, मल्टीपल डिवाइसेस आ गए हैं, कलर कोडिंग आ गई है हमारे पास में। कलर कोडिंग का मतलब, यानी हम विजुअल बेसिक के थ्रू, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के थ्रू, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स को इतना बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ आवर यूजर्स, कि उसको काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि काम करते वक्त यूजर किसी भी परेशानी या किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना कर सकता है। कलरफुल स्क्रीन आ गई है, मॉनिटर आ गया है, टच पैड आ गया है, अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग डिवाइसेस को यूज करने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस इनको अवेलेबल है। यूजर इंटरफेस में आज के समय सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो पाम टॉप प्लस हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स प्रयोग में किए जा रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के जो वर्जन्स हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस में यूज होते थे। आज के समय सिर्फ पाम टॉप कंप्यूटर एज वेल एज हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, इसमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज किया जाता है।